बाजार लगभग समाप्त हो चुका है, दिन भर अच्छा खासा भीड़ रहा और हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे, ये देखिए। तो हवा वगैरह चेक करा लेते हैं, उसके बाद सीधे मिलते हैं सुबह। इन लोग का यहाँ पे बैग पैक वगैरह भी होगा, जो भी अपडेट होगा वो सीधे सुबह हम लोग लेंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 7:30 और बाहर बारिश का मौसम किया हुआ है। ये जो राइनॉक्स का मैं रेनकोट मंगाया था वो इस बार काम आने वाला है, और ये है हम लोग का बैग, सारा सामान डलेगा इसमें। देखते हैं आज इनका प्लानिंग बन भी पा रहा है या नहीं, क्योंकि पानी के ऊपर अगर पानी तेज हो गया तो प्लानिंग कैंसिल भी हो सकता है। तो फाइनली इनका प्लान कैंसिल होते होते फिर से फाइनल हो गया। मौसम का स्थिति देखते हुए एक बार तो इनका प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से ठीक ठाक हो गया। मैं ही बोला कि भाई जब थोड़ा सा एडवेंचर नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा। तो गाड़ी बिल्कुल एकदम रेडी है यहाँ पे, चकाचक गाड़ी निकाल देते हैं बाहर। तो फाइनली गाड़ी एकदम पैक हो चुकी है, लेकिन यहाँ का ये स्ट्रैप नहीं मिला एक तो, देखिए पता नहीं बच्चे लोग कहीं फेंक दिया है क्या, कि ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक निकलते से हम लोग को ये स्ट्रैप नहीं मिला, तो जिसके कारण ये हम लोग देखिए इसका जुगाड़ बना के रखे हैं फिलहाल। दोपहर के 2:15 और मैं और पिंटू पहुंच गए हैं चोटिया से ठीक 20 किलोमीटर लगभग पहले। ये डैम का नाम तो खैर पता नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का, बहुत बेहतरीन रोड। हम लोग अंबिकापुर से जब से निकले हैं रोड हम लोग का भरपूर साथ दिया है, सीन है बहुत बेहतरीन, प्रकृति का एकदम खूबसूरत नायाब नज़ारा। लंच यहीं पर हम लोग करने वाले हैं, लंच का फुल तैयारी। ये आलू की रोटी, टमाटर की चटनी और क्या है पिंटू? अचार भाई। अरे वाह, सोने के साथ सुहागा, अचार भी। तो हम लोग इस प्रकृति के बेहतरीन नज़ारे के बीच लंच का आनंद लेंगे, एक मिनी पिकनिक हम लोग का साथ साथ। तो दोस्तों शाम के हो गए 5:30 और अभी हम लोग अमरकंटक से 8-9 किलोमीटर पहले पहुंच गए हैं ज्वालेश्वर और अमरेश्वर महादेव मंदिर। ये रहा शिव जी का मंदिर। हम लोग सोचे कि इसको वापसी में दर्शन कर लें, लेकिन फिर दिमाग लगा कि इसको आते आते ही दर्शन कर लेते हैं पहले। मैं ज्वालेश्वर महादेव मंदिर पिछले बार भी आया था, मगर ये जगह नहीं देख पाया था। ये नदी जोहिला नदी का उद्गम स्थल है ठीक ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के ठीक किनारे में ही। जय बजरंगबली जी, दक्षिणमुखी बड़े हनुमान जी का मंदिर ये। ये है श्री ज्वालेश्वर धाम। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस एक और नए ब्लॉग में। मतलब ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिर से सवेरा हो गया। जय बजरंगबली। तो ब्लॉग लेट से स्टार्ट करने का कारण यह है, मैं सुबह 5:30 स्टार्ट कर लिया होता, लेकिन मैं आईफोन अपने घर पे ही छोड़ के चला गया था और अपने नोट से ही सुबह सुबह इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह में पोस्ट कर रहा था। और आज अचानक जो कभी सुबह नहीं उठता है वो सुबह उठ के आ गया वहाँ पर, और हम लोग को कुछ दूर से लेके भी आ गया। और आज माहौल कैसा है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक से तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन देखिए पूरा फॉगी फॉगी हर तरफ, जो है ना सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। और हम लोग थोड़ा सा इस कोहरे में भ्रमण करके आते हैं ऐसा सोच रहे हैं। कैसे महाराज, आगे दुकान भी खोल रहे हैं गोलू लोग, अमरकंटक का सुख ले रहे हैं। उन लोग गए हुए हैं अमरकंटक, और मैं इस व्लॉग में अमरकंटक का कुछ फुटेज डाल भी दूंगा। और महाराज क्या है कि विस्तृत विश्लेषण करेंगे इस प्रकृति की सुंदरता के विषय में। बस हम लोग कोई एक अच्छा पड़ाव खोज रहे हैं, उसके बाद कहीं पे खड़े होते हैं, फिर महाराज से सुनते हैं इस सुंदर प्रकृति के विषय में। दाढ़ी भी नहीं दिख रहा है महाराज, देख के ये देखिए। जय हो, जय हो, जय हो।
गोलू लोग के अमरकंटक भ्रमण के ब्लॉग के बाद आप लोग हमारे बागबहार के भ्रमण का भी आनंद लीजिए। देखिए कैसा नजारा है हमारे बागबहार में। तो आखिरकार हम लोग यहाँ उतर ही गए। महाराज क्या है कि पहली बार सुबह सुबह उठे हैं, क्योंकि इन्हें सुबह उठने का आदत नहीं है और गलती से आज सुबह उठ गए हैं ना, तो इस प्रकृति की सुंदरता को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से अकल बकल हो रहे हैं सुबह सुबह। और इसके अकल बकल का एक रूप आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, क्योंकि कुछ देर पहले जब हम लोग बिना मोबाइल के मिले थे ना, जिस समय मैं अपने आईफोन को नहीं लाया था, तो कुछ महाराज बोल रहे थे जो बच गया था। गुड मॉर्निंग आप सभी को, सादर प्रणाम। ये प्रकृति का नज़ारा मुझे आज सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर कर दिया रामलला जी। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये शिमला, मनाली, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, कश्मीर, ऐसे जगहों पर देखने और सुनने को मिलता था, लेकिन जशपुर जिले में भी ऐसा नज़ारा हमको देखने को मिलेगा मैं नहीं सोचा था। आज मैं अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूँ। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जशपुर की धरा पर मैं आज शिमला में हूँ। ये मौसम का मिजाज बड़ा ही अद्भुत है और ये कम से कम 2-3 दिन और रहे तो मजा आ जाए। ये देखिए, ये जहां हमारे राहों में जहां फूल बिछने चाहिए वहां कांटे बिछे हैं। वाह, किनारे कर दो हमारी राहें तो कांटों भरा है, किसी की राह में तो फूल बिछ जाए। ये हमको दंश देने वाला था, ये ज्यादा और बहुत कष्ट देता। तो ये नजारा देखिए आप सामने, इधर देखिए, ये सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। खुले मौसम में यहाँ घर द्वार आंगन क्या क्या दिखते रहते हैं, आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस का आवागमन बाधित हो गया है, गाड़ियां जिस जगह पे है उस जगह पे रुक गई है, एक भी गाड़ी चल नहीं रही है कोहरे के कारण, कि कोई अप्रिय घटना ना हो। कुल मिलाकर ये कहा जाए मौसम बड़ा रंगीला है और इस रंगीले मौसम का आप लोग तो खैर रोज आनंद लेते हैं, लेकिन आज मेरा भी भाग्य खुल गए। साइड हो जाते हैं, कोई आवाज आ रहा है, बोलने के लायक मौसम है हमारा, पता नहीं क्या आ रहा हो, किस रूप में। ये देखिए उधर से कुछ आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा, देखिए पता ही नहीं चल रहा है कुछ, जब तक वो सामने नहीं आ जाएगा ना पता नहीं चलेगा। भैया गाड़ी है किनारे, दादा जी, जय बजरंगबली। अभी देखिएगा कोहरे में कैसे ओझल हो जाएगा, ये देखिए वो ओझल होने वाला है, जैसे जिंदगी इंसान की लुप्त हो जाती है वैसे वो इस दुनिया से। उस गाड़ी को 3 किलोमीटर तक देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ दिखे, यहाँ 100 मीटर के बाद वो गाड़ी गायब हो गया। और ऐसे ही जनरली दिन मौसम अगर खुला हो तो 3 किलोमीटर तक उस गाड़ी को देखा जा सकता। और ट्रक है बाबा, कोई छोटा चींटी तो है नहीं कि ना दिखे। सही बात है, है? महज कुछ ही दूरी के बाद सब कुछ शून्य हो जा रहा है, जीरो। ये देखिए उस गाड़ी का आवाज इतना है कि वो गाड़ी नहीं काल बन के आ रहा है, है ना, पता चला है ये स्कूटी है। हाँ अभी दिखा, ये अभी दिख रहा है, ये स्कूटी है। हाँ महाराज एकदम आश्चर्यचकित है, एकदम विडंबना में है कि भाई ये प्रकृति का कैसा स्वरूप देखने को मिल गया है। सही बात है, ये मैं इस मौसम का आनंद लेने के लिए रामलला भाई कहीं ना कहीं इस सीजन में जाने वाला था, कुछ नहीं तो
मेन पार्टिकल दूंगा ऐसा मेरे मन में विचार आया था, लेकिन जब मेन पार्ट यहाँ उठ के आ गया तो मुझे मेन पार्ट जाने की क्या जरूरत नहीं है। ठीक बोल रहे महाराज। एक और दिल दहलाती हुई गाड़ी हमारे समीप, ये देखिए, कोहरे को चीरती हुई ऑल इंडिया परमिट के साथ यहाँ आ पहुंची है। ये लीजिए, कोहरा में भी ये लोग का स्पीड को देखो तो, बाबा ऐसा स्पीड चलाएगा ये लोग। हाँ, अब लाल ईटा दिख गया, मतलब अब हमको प्रस्थान करना चाहिए। प्रस्थान करना है। तो इस टाइप से कुछ हमारा दिन गुजरता है हमारे बागबहार में, और हमारे साथ साथ आप लोग भी बागबहार के इस नज़ारे का आनंद लेते हैं। और आज ऐसा नज़ारा देख के सच में लग रहा है कि हम लोग शिमला मनाली चाहे नैनीताल के वादियों का आनंद उठा रहे हैं। तो बस इसी आनंद के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जाने में आ जाएगी बहार।